दोस्तों आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर जो एम्पायर और आईसीसी पर भड़के हैं वो ठीक भड़के हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या डीआरएस चेंज होना चाहिए या फिर उसमें परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर जोरदार तरीके से भड़क गए। दरअसल मोहम्मद सिराज की एक गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले को चूक कर उनके सीधे पैड में जा लगी, जिसके बाद जोरदार अपील हुई, लेकिन एम्पायर ने इस अपील को नकारते हुए बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने रिव्यू लिया। रिव्यू लेने के बाद ये साफ नजर आ रहा था कि गेंद स्टंप से टकरा रही थी और अगर एम्पायर आउट दे देते तो ये बल्लेबाज पवेलियन में बैठा होता, लेकिन एम्पायर्स कॉल के कारण इसको नॉट आउट दे दिया गया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक जोरदार तरीके से ट्वीट किया और उन्होंने इस डीआरएस को चेंज करने की मांग की। सचिन तेंदुलकर कम ही बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो तहलका मचा देते हैं, और आज भी उन्होंने ट्वीट कर आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को अपने कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि डीआरएस का मतलब होता है अगर कोई डिसीजन से ना खुश है तो फिर उसको चेंज करने का फैसला लिया जाए, और जब रिप्ले में साफ दिख रहा है कि गेंद स्टेम्स में लग रही थी तो एम्पायर्स कॉल का क्या मतलब, ऐसे डिसीजन को चेंज कर देना चाहिए। अगर विकेट से गेंद टकरा रही है इसका मतलब बल्लेबाज आउट है, इसमें एम्पायर्स कॉल का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर जो भड़के हैं सिराज की इस गेंद के बाद वो ठीक है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में भी राय देना ना भूलें। और हाँ, टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन पर अगर आप भी चाहते हैं कल टीम इंडिया जीते तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।